Hello friends, I am Dr. Vivek Kumar Srivastava. Welcome all of you in the 9th lecture of this differential equation which involve both the OD and PD. First I will solve the OD and then later on I will discuss the PDs. Right. So today I will discuss how to calculate the PI. कैसे हम PI को find out करेंगे. पिछले video lecture में हमने देखा था CF कैसे निकाला जाता है, उसके कुछ problem भी हमने solve किया था. अब अगर कोई सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, पी और क्यू की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो हम इसको कैसे इसका पीआई निकालेंगे. तो सीएफ हमने निकाल लिया है. कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, सीएफ प्लस पीआई. तो सीएफ हमने निकाल लिया है, अब पीआई देखते हैं. अगर पीआई, अगर पीआई क्या बताया था आपको, राइट हैंड साइड का जो सोल्यूशन होता है आर, अगर आर इसमें हमने चार केसेस लिया था, इस स्टैंडर्ड यही चार पाँच केस हैं जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम आते हैं. तो और भी केसेस हैं लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक लेवल का है जिसमें एक प्रॉब्लम नॉर्मली आता है. तो देखिए पहला केस है, अगर राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल आ जाए, ई पे पावर एक्स आ जाए, तो इसका पीआई कैसे निकालेंगे. तो अभी कहेंगे पीआई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी. एफ डी मतलब यही डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, इसी को एफ डी बोलते हैं. तो एफ डी इंटू ई पे पावर, इसी से देखिए मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों नाम दिया था, इसको इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ ऐसे डिवाइड होता है आर में, वन अपॉन एफ डी और आर. आर मतलब पहला हमने केस लिया ई पे पावर एक्स. तो अगर एक्सपोनेंशियल है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डी वी डी, जहाँ जहाँ डी है वहाँ डी की जगह ए लिखना है आपको. राइट, डी स्क्वायर है तो डी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका यही पी आई निकल जाएगा. बट अगर मान, यही आपका पी आई हो गया, अगर मान लीजिए एफ ए की वैल्यू जीरो हो जाती है किसी केस में, ऐसी ए की वैल्यू पुट करें जैसे जीरो, तो उसमें क्या करना है आपको, इस न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करना है और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी, पार्शियली डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो आएगा उसमें डी की जगह फिर वही पुट कर देंगे आप ए. अगर फिर आ गया राइट, तो फिर उसी तरीके एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली और डी की जगह ए पुट कर देंगे. इस तरीके से ये रिपीटेड सॉल्व होता रहता है. इसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में. अगर देखिए राइट हैंड साइड में आर की जगह साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो जाए, दोनों के लिए रूल एक ही है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए जहाँ ऐसे लिख लेंगे वन अपॉन एफ डी स्क्वायर, देखिए यहाँ डी स्क्वायर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि डी स्क्वायर जहाँ होगा वहाँ माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस होगा और ए स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा साइन ए एक्स, यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर होगा वहाँ माइनस ए स्क्वायर रखेंगे. अगर डी स्क्वायर नहीं है तो डी स्क्वायर बनाएंगे चाहे जैसे मल्टीप्लाई करके ही ऊपर नीचे, फिर उसी तरीके से इसका ये पी आई हो जाएगा आपका. राइट, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर उसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर, ये आपका पी आई निकल जाए. लेकिन अगर मान लीजिए इस डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है, एफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, वही केस करेंगे जैसे यहाँ आपने किया, न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करिए, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू डी, और जहाँ पर डी स्क्वायर आ जाए फिर डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर से, आपका पी आई निकल जाएगा. राइट, अगर फिर जीरो हो जाता तो एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई करिए, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करिए और फिर पुट करिए डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर. इस पर भी हम प्रॉब्लम अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे. थर्ड केस देखिए, अगर कहता है राइट हैंड साइड में एक्स पे पावर एन आ जाए, राइट पॉलिनोमियल आ जाए, तो क्या करेंगे. इस केस में बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपको, ये जो एफ डी है, एफ डी मीन्स यही जो फंक्शन आ रहा है डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, राइट, इसको आपको क्या करना है, इनवर्स के फॉर्म में ले जाना. अच्छा इनवर्स क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्स का पावर को जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वैसे वैसे क्या होता रहता, घटती रहती है वैल्यू, तो इनवर्स में ले जाने का फायदा ये होता है इसकी वैल्यू नॉर्मली डिक्रीज होने लगेगी. राइट, जैसे जैसे इसको डिफरेंस, इसको एक्सपेंड कर देंगे उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा. तो तीन, थर्ड केस, फोर्थ पी आई का केस क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो उसका पी आई कैसे निकालेंगे. तो देखिए अगर कोई फंक्शन ई पे पावर ए एक्स फाई एक्स है, वन अपान एफ डी, एफ डी का मतलब आप समझ गए यही फंक्शन एफ डी, राइट, अगर एफ डी है यानी डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ डी है इसका पी, जैसे एक और चीज़ होता है पी आई निकालने के बाद जिसका पी आई निकल जाता है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला आता है. राइट, तो अगर इसका आपने ई पे पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो फंक्शन, तो ई पे पावर एक्स का पी आई निकाल लीजिए कि उसको लेफ्ट साइड में लेते आएंगे और जहाँ जहाँ डी है डी की जगह आप डी प्लस ए ले देंगे. बड़ा सिंपल सा, कुछ नहीं करना, इसको ई पे पावर एक्स इधर चला आया और जहाँ जहाँ डी था डी प्लस
ए हो गया। अब ये जो फंक्शन आया ये ऑपरेट होगा फाई एक्स में, और फाई एक्स का आप ये जानते हैं एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। आप बड़े आराम से फिर इन सारे रूल का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि पी आई कैसे निकालेंगे। पी आई का पहला केस देखा, अगर राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल हो, सेकंड अगर साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, थर्ड हमने क्या देखा अगर एक्स की पावर एन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और फोर्थ हमने क्या देखा अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है तो उसका पी आई कैसे निकालेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम पी आई के बेसिस पे, जिसमें सी एफ भी हो और पी आई भी हो, ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ भी कमेंट करें जिससे हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट का चांस मिल जाए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।